Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउस और फिल्मी परिवार लगातार लोगों के निशाने पर हैं। सुशांत की आत्महत्या के सिलसिले में रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस को करीब 11 घंटे तक बयान रिकॉर्ड करवा चुकी हैं। अब एक हफ्ते बाद बिहार के कोर्ट में रिया पर सुशांत की आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार की अदालत में मुजफ्फरपुर के पठी इलाके के निवासी कुंदन कुमार ने पिटीशन दायर की है। अदालत इस मामले की सुनवाई 24 जून को करेगी। याचिका में रिया पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण किया है। कुंदन कुमार के वकील ने कहा, मेरे क्लाइंट सुशांत सिंह राजपूत का बहुत बड़ा प्रशंसक था जो उनकी मौत से गहरे सदमे में है। उन्होंने IPC की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, धारा 420 धोखाधड़ी के तहत 19 जून को केस दर्ज करवाया है। इसके पहले मुंबई पुलिस को दिए बयान में रिया ने बताया था कि सुशांत से उनका झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपार्टमेंट छोड़ दिया। पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही है। अभी तक 15 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सुशांत की आत्महत्या के बाद सुधीर कुमार ओझा ने भी 17 जून को एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है। शिकायत में इंडस्ट्री के 8 बड़े नामों पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। राजपूत के पिता के सिंह और अभिनेता कंगना रनौत को भी गवाह बनाया गया है। मुख्य रूप से आत्महत्या से संबंधित IPC के धाराएं 306, 109, 504 और 50 के तहत दायर की गई है। इसके अलावा भी रिया चक्रवर्ती ने पुलिस से सुशांत से रिलेटेड एक बहुत बड़ी बात छुपाई। वो ये थी कि सुशांत, रिया और रिया के भाई ने एक कंपनी शुरू की थी 2019 सितंबर में। ये बात का रिया ने पुलिस को दूर दूर तक भनक भी नहीं होने दी, जबकि ये बात सुशांत के लीगल एडवाइजर ने पुलिस को बता दी थी। इन सब चीज़ों की वजह से रिया चक्रवर्ती अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं।